अच्छा नहीं गाइस, ये है गाइस एक सीमेंट मिक्सिंग मशीन, जिसके अंदर जो है सीमेंट और सारा जो मसाला होता है रोड़ी बजरी वाला वो मिलता है। लेकिन गाइस आज इसके अंदर रोड़ी बजरी वाला मसाला नहीं मिलेगा, बल्कि आज इसमें चलने वाला है गाइस रॉकेट। और इसके अंदर भाई बहुत सारे रॉकेट जितने इसमें आ सकते हैं, 500 आए, 1000 आए, 1500 आए, जितने आए इसके अंदर डाल देंगे और उसके बाद में चलाएंगे। मजेदार बात यह है कि जब रॉकेट चलेंगे तो जो सीमेंट मिक्सिंग मशीन है वो भी चलती रहेगी, क्योंकि गाइस ये मूवमेंट करती है। जब ये चलती है तो गोल गोल घूमती है, और उसके अलावा इसको हम ऐसे जो है चेंज भी कर सकते हैं इसकी डायरेक्शन। तो ऐसे करेंगे तो रॉकेट इधर जाएंगे, ऐसे करेंगे तो रॉकेट ऊपर जाएंगे, और ज्यादा घुमाएंगे तो गाइस रॉकेट उस साइड में जाएंगे। तो ये जो पूरा मजा हम लोग लेने वाले हैं, लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट है बहुत ही रिस्की भी हो सकता है, इसलिए आप लोग प्लीज इसको ट्राई मत करना। लेकिन हम लोगों ने एक ऐसा जुगाड़ बनाया जिसकी मदद से हम सेफली इस मशीन को चलते हुए, जब ऐसे भी घूमती रहेगी, इसको हम टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं रॉकेट चलते टाइम पे। फटाफट से शुरू करते हैं, सब लोग वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना। भाई ट्रैक्टर की कोई जरूरत नहीं हमें, ट्रैक्टर हटा दो, क्योंकि ट्रैक्टर का काम इस गाड़ी को यहाँ तक लाना ही होता है। इस गाड़ी की मजेदार बात गाइस ये है कि इसके पास खुद का इंजन होता है, यहाँ पर इसके पास खुद का डीजल इंजन होता है 10 हॉर्स पावर का, लेकिन ये खुद के इंजन से चल नहीं सकती। भाई सोचो ऐसी गाड़ी जिसका खुद का इंजन होने के बावजूद वो जो है चल नहीं सकती। गाइस इस बड़े वाले धामे के अंदर हम लोग डालेंगे बहुत सारी रॉकेट और इसको कर देंगे उसके अंदर फिट। तो भाई करते हैं श्री गणेश और रॉकेट्स लगाना शुरू करते हैं। ये लगा पहला, भाई साहब रॉकेट का फूल यहां पर तैयार हो चुका है। ऊपर से जो है ऐसा लगता है कोई फूल है, क्योंकि रेड रेड कलर के जो रॉकेट्स हैं वो पत्ते जैसे लग रहे हैं फूल के, वो भी बहुत बड़ा सूरजमुखी जैसा फूल। गाइस कितना सारे रॉकेट इसके अंदर लग गए हैं, हमको सही में गिनती नहीं है कि कितने हैं, क्योंकि जितने लगे हमने लगा के इस टब को पूरा भर दिया है। और अब देखो यहां से यहां तक इतना चौड़ा। गाइस इसको करते हैं इसमें फिट और रेडी करते हैं इसको लॉन्च के लिए। और गाइस सोचो हम क्या कर रहे हैं, हमने एक सीमेंट मिक्सिंग मशीन को रॉकेट लॉन्चर बना दिया यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पर जो रॉकेट्स हैं वो फिक्स हो चुके हैं मशीन के अंदर। अभी ये हुआ है कि गाइस आंधी आ चुकी है, बहुत तेज हवा चलने लग गई है, लेकिन अभी और तेज आएगी, पूरा मौसम खराब हो चुका है, लेकिन हमको अभी कोई दिक्कत नहीं है। गाइस ये है इसको घुमाने वाले के लिए सेफ्टी बस, और ये है गाइस इस मशीन को दूर से चलाने का रिमोट कंट्रोल जो कि इसमें लगेगा। इसमें गाइस एक बड़ा सा होल है जिसमें आर पार जाएगा और ये मशीन में फिट हो जाएगा। गाइज अभी अंकित बोल्ट कस रहा है, गाइज अंकित बोल्ट कस रहा है, अभी अंकित अभी बुलेट कस रहा है भाई। गाइज अब सारा प्रोटेक्शन तैयार है, मशीन तैयार है, रॉकेट तैयार है, और यहाँ पर इसके लिए प्रोटेक्शन भी तैयार है जो इसके अंदर रहेगा, उसके लिए यहाँ पर मैकेनिज्म लग चुका है, ये आ रहा है इसके अंदर। और ये जो डब्बा है गाइज यहाँ पर इसका कनेक्शन उससे टूट जाता है, और यहाँ से हम पूरी की पूरी मशीन को घुमा सकते हैं। देखो तो ये जो है पूरा का पूरा घूम रहा है, आप देखो उधर पे, यानी कि यहीं से इतना दूर से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और इसकी जरूरत इसलिए पड़ी गाइस क्योंकि किसी को तो यहाँ खड़े होकर घुमाना पड़ेगा रॉकेट को, जिस साइड में लॉन्च करना है वहां पे लॉक कर दो भाई इसको। गाइस अब वो टाइम आ चुका है जब ये जो सीमेंट मिक्सिंग मशीन है ये चलाएगी रॉकेट को। गाइस सबसे पहले तो टेस्टिंग कर लेते हैं, पूरा सिस्टम तैयार है, लेकिन एक बार मैं इसको स्टार्ट करना चाहता हूँ, हैंडल इसमें लगा हुआ है। गाइस एक बार इसको स्टार्ट करके देख लेते हैं ये कैसे घूम रहा है। जो मशीन है वो चल चुकी है यहाँ पे और सारे रॉकेट घूमना स्टार्ट हो गए हैं गाइस। अब सिर्फ इस पे आग लगानी है बस। अरे लाइट हटाओ, इसके पास लाइट नहीं रख सकते गाइस, नहीं तो ये लाइट में आग लगा सकता है। गाइस जो हमारी हांडी है जिसमें रॉकेट रखे हैं उसके मूवमेंट को मोहित कंट्रोल करेगा जो कि इस हैंडल को घुमाएगा। फास्ट मूवमेंट करना पड़ेगा, दिख रहा है ना तेरे को इसमें से। चलो गाइस करते हैं धमाका। गाइस हम लोग गलती से भाग गए थे, इसको घुमाया तो है ही नहीं, इसको स्टार्ट करता हूँ उसके बाद में 3-2-1 करेंगे गाइस। तो यही रख देता हूँ। गाइस मशीन स्टार्ट हो चुकी है, चलो पीछे चलो, चलो 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 गाइस चलाते हैं। 3-2-1 गो। गाइस आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। गाइस पीछे हो जाओ भाई, उतरी उतरी उतरी। ओ भाई ओ भाई, ओ भाई यार
भाई साहब रॉकेट्स कैसे भागे निकल निकल के, अभी भी हो सकते हैं गाइस, इससे थोड़ी देर दूर ही रहते हैं। अरे रॉकेट रहा, हो गया। अरे गलती कर दी। बगलो बगलो से मैं खेर छू। डालो डालो डालो, जल्दी करो, जो भी करो। अरे दूर हो जा रही। तो गाइस जो रॉकेट्स है वो कितना जबरदस्त तरीके से चले, मशीन घूम रही थी गाइस, लेकिन यार इतना जल्दी सब कुछ हो गया कि हम मशीन को ज्यादा रोटेट ही नहीं कर पाए, लेकिन पूरा ऐसे घूम रही थी मशीन और रॉकेट्स ऊपर जा रहे थे और जबरदस्त वाला नजारा, एक साथ इतने सारे रॉकेट्स निकल करके जा रहे थे गाइस, मजा आ चुका है इस चीज के लिए। लेकिन गाइस अभी और मजा आने वाला है बहुत सारा, क्योंकि अभी हमने मशीन के ऊपर लगा दिए बहुत सारे अनार। गाइस यहाँ पर अनार हमने लगा दिए 20 इसके ऊपर, बड़े वाले साइज के। अब इनके ऊपर लगाएंगे आग, मशीन घूमती रहेगी और ये अलग अलग तरीके से रोटेट करेगी। तो गाइस देखो जिस तरीके से घूमता घुमाइए इसको, हाँ ये देखो। चलो गाइस इन पे आग लगाते हैं और मजा लेते हैं बस। लग चुकी है गाइस आग इस पूरे सिस्टम के अंदर और देखते हैं गाइस क्या होता है। अंकित घुमा, वो चल गए। वाहो वाहो, अरे चक्री बन गई अनार की। भाई साहब जो अनार है ना वो पागल हो जाते हैं इसमें। अनार जो है ना वो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है भाई। लेकिन गाइस जो सारे अनार है ना वो एक साथ नहीं चल पाए, लेकिन स्टिल जो पूरा का पूरा सिस्टम है ना वो ऐसे 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 घूमता है। गाइस अब मंगाते हैं अंकित का फेवरेट पटाखा। लिया गाइस ये पटाखा इसका जब से आया तब से फेवरेट है और अब इस फेवरेट पटाखे को फाड़ने की बारी है गाइस, और ये लिपटेगा गाइस इस सीमेंट मिक्सिंग या फिर रॉकेट मिक्सिंग मशीन है। पकड़ इसको, लपेट दो गाइस। पूरी की पूरी लड़ी हम इसमें लपेट चुके हैं 10,000 पटाखों की। आग लगाते हैं भाई। मोहित कर दे स्टार्ट, मोहित मोहित जल्दी कर दे, जल्दी कर दे, जल्दी कर दे गाइस। पता नहीं क्या होगा, आग लग रखी है कि नहीं गाइस। जो लड़ियां हैं वो किस तरीके से घूम रही है इसमें, और लग गई लग गई लग गई भाई। अरे अनार चल गए, ओए अनार चल गए भाई, पुराने अनार चल गए। वाहो भाई साहब एक झटके में, हमने नहीं सोचा था, हमको तो लगा यार इतनी लंबी लड़ी है धीरे धीरे चलती जाएगी, लेकिन ये तो मतलब 10 सेकंड के अंदर पूरा सब कुछ हिल गया, सब कुछ एक साथ उड़ गया गाइस। और अभी जो है जो अनार नहीं जले थे वो भी जल गए गाइस, और इसमें थोड़ी धुआं निकल रही है, और इसको क्या करें, उल्टा करूं क्या इसको। और पता है गाइस इसकी आवाज भी बदल गई, जब ये मतलब जैसे टोकनी होती है ना जो बजती है वैसे बजने लग गए थे, और उसके अंदर से देखो पटाखे निकल रहे हैं, वो निकल रहे हैं भाई साहब। क्या था ये। लेकिन गाइस जो भी था बड़ा ही मजेदार था, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारा मजा आया होगा। और गाइस अभी तक अगर आपने इस वीडियो के लिए लाइक नहीं किया तो भाई प्लीज वीडियो के लिए लाइक कर दो, और लाइक तो आपने कर भी दिया होगा, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है गाइस। आज के लिए इतना ही, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।